जब एक ऐसे घर में रहना पड़े जहां कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, आपके परिवार वाले नहीं है, आपके पास आपका मोबाइल फोन नहीं है और आप चुनिंदा चेहरों के साथ ही रह रहे हैं, ऐसे घर में रिश्ते बनने लाजमी है, ऐसे घर में दुश्मनी होनी भी लाजमी है। बिग बॉस सीजन 13 के दौरान दो चेहरे ऐसे नजर आए जिनके बीच का दोस्ताना हर जगह चर्चे बटोरता है और जिनकी दुश्मनी हर जगह खबरों के बाजार को गर्म करती है। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, सिद्धार्थ और आसिम, इनका भाईचारा और इनकी दुश्मनी दोनों ने ही बिग बॉस को शानदार टीआरपी दिलाई है। भाईचारे ने लोगों से कहा राम लक्ष्मण मॉडर्न जमाने के, तो दुश्मनी ने लोगों को कर दिया काफी हद तक इरिटेट और जनता ने कहा बस भी करो यार। अब बिग बॉस का सफर तो खत्म हो चुका है लेकिन कॉन्ट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रही है। सवालों का सिलसिला अब भी जारी है। सिद्धार्थ से हर इंटरव्यू में आसिम को लेकर सवाल किया जाता है, आसिम से हर इंटरव्यू में सिद्धार्थ को लेकर सवाल किया जाता है और इन सवालों का जवाब ये दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देते हैं। इसी फेहरिस्त में मैं आपके साथ मेघा लेकर हाजिर हूं सिद्धार्थ शुक्ला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज पर चर्चा की है। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला बताते हैं कि बिग बॉस का फिक्स्ड होना किसने ज्यादा हद तक ठीक है, बिग बॉस का बायस्ड होना कितने हद तक सच है, आसिम की किन बातों से सिद्धार्थ काफी हर्ट है और आसिम में किस तरह सिद्धार्थ ने अपना भाई देखा और उस भाई को प्यार दिया, क्या कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला इन सभी मुद्दों पर, सुनिए जरा। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, इन दोनों का भाईचारा और इन दोनों की दुश्मनी बिग बॉस सीजन 13 में काफी ज्यादा देखी गई। ये दोनों इतना अनकंट्रोलेबल हो गए थे कि शो के होस्ट सलमान खान ने ये तक कह दिया मैं गेट खोल देता हूँ, बाहर चलेगा जाओ, एक दूजे को मारो पीटो और उसके बाद वापस आ जाओ। ये दोनों इतना ज्यादा एक दूजे के साथ दुश्मनी निकालने में बिजी हो गए कि ना जाने कितने टास्क रद्द कराए गए। बिग बॉस ने इन्हें नॉमिनेट किया, बिग बॉस ने इन्हें सजा दी, मगर इन पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। अब इन सबके बीच शो खत्म हो गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है घर के अंदर जो जानी दुश्मन होते हैं घर के बाहर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। हर कोई बेकरार है ये जानने के लिए कि आखिर सिद्धार्थ और आसिम के केस में ऐसा है या नहीं। हर कोई जानना चाहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज, इन दोनों के रिश्ते की इक्वेशन कैसी है, इन दोनों का रिश्ता आखिर कहता क्या है। और इन सबके बीच सिद्धार्थ शुक्ला का एक इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ से कई तरह के सवाल किए गए। इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला से पूछा गया कि आखिर सिद्धार्थ क्या कहना है आपका, आसिम के साथ घर में खूब लड़कर अब आप आए हैं लेकिन अब आगे क्या कहेंगे, आसिम के साथ आपका दोस्ताना कैसा है। सिद्धार्थ ने हर एक मुद्दे पर खुले तौर से बातें की। सिद्धार्थ से जब सवाल किया गया कि आपने बहुत ज्यादा लड़ाइयां की हैं, वॉयलेंस बहुत ज्यादा किया है, आप इस पर क्या कहेंगे, सिद्धार्थ ने कहा आई रियली डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ भी किया है। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे दो दो बार नॉमिनेट किया गया है पनिशमेंट के तौर पर। अगर आपने लड़ाइयां ध्यान से देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने कभी लड़ाई स्टार्ट नहीं की। मुझे आज तक आपने इनिशिएटिव लेते हुए नहीं देखा होगा। मैं अग्रेसिव कभी नहीं रहा, मुझे हमेशा डेंजर जोन में रखा गया, हमेशा कोई और लड़ता था और हमेशा मैं फंसता था। उस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं था, उस घर में हमेशा मुझे टारगेट पर लिया गया। सिद्धार्थ कहते हैं आई शुड टॉक अबाउट बायस, पीपल हैड देयर सपोर्ट सिस्टम्स कमिंग इनटू द बिग बॉस 13 हाउस एंड स्टेइंग विद देम, आई वाज ऑल अलोन। सिद्धार्थ का कहना है वो लोग जो बिग बॉस पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें ये समझना होगा हर किसी के पास हर कोई था लेकिन मेरे पास कोई नहीं था। सिद्धार्थ कह रहे हैं
कि हर कोई एक दूजे के साथ था, हर कोई अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। इतना ही नहीं, बता दे आपको सिद्धार्थ शुक्ला आगे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। और वो सभी लोग जो बार बार बिग बॉस पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं, सिद्धार्थ कहते हैं, इट्स रियली सैड दैट पीपल हैपन टू से सच थिंग्स, इट्स जस्ट अ क्लासिक केस ऑफ सोर ग्रेप्स वेयर पीपल से थिंग्स और पिन पॉइंट जस्ट आफ्टर लूजिंग। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं जैसा हिसाब है यहाँ पर, जो लोग हार गए वो बिग बॉस पर सवाल उठा रहे हैं और जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आई रिमेम्बर माई मॉम सेइंग टू मी दैट सम साइट हैज एवरी वीक्स नंबर एंड आई वॉज एट द टॉप, आई डिड नॉट लीव द नंबर वन पोजिशन थ्रू आउट, सो वेन समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड हाउ कैन द चैनल बी बायस्ड। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं तो लगातार वोटिंग के टाइम पर भी नंबर वन पे रहा, तो आखिर क्यों लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। वेल, सलमान खान ने सिद्धार्थ को जिताया है और आसिम को हराया है, सलमान खान की वजह से ही सिद्धार्थ जीते हैं वरना नहीं जीतते। ये बात जब सिद्धार्थ शुक्ला से सीधे तौर पर की गई तो सिद्धार्थ ने कहा, सलमान सर ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, सलमान सर ने मुझे हमेशा समझाया है, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और सिद्धार्थ से जब आसिम को लेकर सवाल किया गया कि आप रोए थे आसिम के लिए, तो सिद्धार्थ ने कहा, यस बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ इमोशन दैट आई हैड इन्वेस्टेड इन दैट गाय, आई एक्चुअली टुक हिम एज माई यंगर ब्रदर, व्हेन थिंग्स वेंट एस्ट्रे इट वॉज सैड, when rohit sir had come I was teary eyed because there were a lot of exchanges we had, I was feeling embarrassed and sorry about it, I think it was my first altercation with asim which stayed longer with me because that's nothing not something I expected from him, there were a lot of words exchanged which I would have never associated with him to talk like that to me or say things to me, but he did. So that's the only thing that stayed with me longer. Siddharth ka kehna hai, pyar maine Aseem ko bahut zyada kiya hai, lekin kaafi sari baatein ghar mein Aseem ne aisi keh di hain, jinse mujhe takleef pahunchi hai.